हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो गाइस, कोरोना के केसेस इतने ज्यादा फैल रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। 24,000 केसेस आज के दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। तो प्लीज गाइस, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, और हम भी तभी निकलते हैं जब हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे पास कुछ घर पे सामान पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि उसी का ही यूटिलाइजेशन करके कुछ आज मीठा भी बनाया जाए। और आज वैसे भी सैटरडे है, तो सैटरडे को तो छुट्टी वाला दिन होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा खाएं। और आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, मैंगो आइसक्रीम का, जो रियाना ने बनाई थी और इतनी फैबुलस बनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ पिस्ता आइसक्रीम का ब्लॉग शेयर करूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो गाइज, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। ये अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम्स होगा, जिसमें से मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए भी यहाँ पे निकाला है, ये रहा। और ये यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क मेड, और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर डालूंगा मैं इसमें, ताकि इसमें थोड़ा ग्रीन कलर आए। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम मैं यूज कर रहा हूँ। और गाइज, आप इसमें व्हिप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप व्हिप क्रीम यूज करेंगे तो उसमें कंडेंस मिल्क आप मत डालिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती है थोड़ी। तो मैंने अमूल क्रीम अब ओपन कर ली है अपनी, जो कि मैंने फ्रीजर में रख के इसको ठंडा किया था। तो अब मैं एक बार इसको करूंगा मिक्स अच्छे से, और इसको करूंगा ब्लेंड, ताकि ये विप हो जाए। और इसको अच्छे से गाइस आपने ठंडा करना है। ये देखिए, मैं पूरी इसमें से क्रीम निकालूंगा अपनी। तो गाइस, अब हमें इसको ब्लेंड करना है, ताकि ये डिप हो जाए पूरा अच्छे से। तो एक बार जब ये डिप हो जाता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारी क्रीम हो गई है व्हिप। ये देखिए, बहुत ही फ्लफी फ्लफी सी दिख रही होगी आपको, और जब मैंने डाली थी तब ये कैसी थी। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 2-3 मिनट तक चलाया, और अब हम डालेंगे इसमें अपना ये इलायची है, जो मैंने इसके बीज को पीस लिया है, बाहर का शेल हटा के और मैंने बीज को पीस लिया है, वो डाल दिया मैंने इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगा कंडेंस मिल्क अपना, जो कि है मिल्क मेड। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं गाइस, क्योंकि किसी को ज्यादा मीठा पसंद होता है और किसी को कम, और मेरे को तो ज्यादा ही हमेशा पसंद है। ये तो मैं बचपन में ऐसे भी खा लेता था, इतना मैंने मिल्क मेड खाया। तो गाइज, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ अपना ग्रीन कलर, जो कि बहुत ही अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा ही डाला मैंने इसमें, ज्यादा नहीं डाला। और अब मैं अपने पिस्ते भी डालने जा रहा हूँ इसमें। ये देखिए, और अब मैं इसको एक बारी करूंगा विस्कर से, हिलाऊंगा इसको विस्कर से। इससे नहीं हिलाने वाला मैं ब्लेंडर से, क्योंकि ये जो पिस्ते हैं ये एकदम घुल जाएंगे, और मैंने ये दरदरे पीसे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा फिर मेरे को दरदरा इसको पीसने का। तो मैं इसको विस्कर से हिलाने वाला हूं। ये देखिए गाइस, क्या बढ़िया कलर आ गया है। ये देखिए, और गाइस, मैंने इसको आइस में रखा था, क्योंकि हमारी जो क्रीम थी वो व्हिप नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके नीचे आइस डाल दी थी, और इससे हमारी क्रीम बहुत ही जल्दी व्हिप हुई। और अब हमें करना है गाइस इसे फ्रीज, और हमारी आइसक्रीम हो जाएगी रेडी। देखिए, ये हमारी आइसक्रीम हो गई है बनकर रेडी, और बहुत ही मजे की है। मैं थोड़ी सी टेस्ट भी करके देख चुका हूँ, और अब हमें इसको करना है फ्रीज। और गाइस, फ्रीज करने के लिए आप लेड वाला ही कंटेनर लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्रिस्टल नहीं बनते आइसक्रीम में हमारी आइस के। और थोड़ी सी मैं इस पे गार्निशिंग के लिए डाल रहा हूं ऊपर से भी पिस्ता, और बहुत ही मजे की बन
इसको आप 8 से 10 घंटे तक स्टोर करें फ्रीजर में और उसके बाद खाएं और फिर हमें बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। बाकी फिर मैं आपको टेस्टिंग पे मिलता हूँ, रियाना ही टेस्ट करके बताती है क्योंकि मैं रेसिपी बनाता हूँ तो रियाना टेस्टिंग करती है और रियाना बनाती है तो मैं बताता हूँ। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं टेस्टिंग पे। तो गाइज ये देखिए, अब रियाना कर रही है आइसक्रीम की टेस्टिंग, रात को भी खा ली थी वैसे तो इसने, ये देखिए गाइज इसने रात को ही खा ली थी और मैंने भी खाई है गाइज रात को और बहुत ही डिलीशियस बनी है। बता दे तू भी, आइसक्रीम सबकी फेवरेट है। ये देखो मैं बताती हूँ, हम ना नेचुरल से खाते हैं, ये मुझे मतलब नेचुरल की आइसक्रीम अब तक की बेस्ट लगी थी, बट अब मैं वहाँ से भी नहीं मंगाने वाली क्योंकि नेचुरल्स भी फेल कर दिया, मतलब इतनी टेस्टी बनी है ना, ऐसा लग रहा है रबड़ी जैसा कुछ लग रहा है, इतनी टेस्टी बनी है गाइज, बिलीव मी ट्रस्ट मी। आप ना ये वाली तो जरूर, मैंगो वाली छोड़ो, आप ये वाली तो ज़रूर ट्राई करना, फटाफट बनती है, झटपट बनती है। और आपको ना पसंद आए ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि रियाना आपने जो बताई वो अच्छी नहीं बनी। तो हम तो बस अब खाने वाले हैं और मैं तो आज और बनाने वाली हूँ, मेरी तो फेवरेट हो गई है अब ये पिस्ता आइसक्रीम, मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, मेरी मैंगो आइसक्रीम अब तक की बेस्ट थी। तो ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये रेसिपी आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हम आपके लिए और क्या क्या अच्छी अच्छी रेसिपीज ला सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन प्लीज़ यार, एक लाइक तो दबाया करो, इतनी मेहनत करते हैं, लॉकडाउन है, अंदर रहो घर के अंदर, और जो आपको खाना है ना हमें बताओ, हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, उसको सब्स्टिट्यूट क्या है, कितना ईजीली हम उसको बना सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय।